मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी पोहा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बड़ा प्याज ली है मम्मी और मिर्ची ली है, तो उसको खड़ी खड़ी काटे हैं, जिससे क्या होता है किसी को तीखा खाने का मन नहीं होता है तो वो उससे अलग कर सकते हैं उसको। और यहाँ कड़ी पत्ता लिए हैं, इसको यहाँ हमारे यहाँ मीठा नीम पत्ता भी बोलते हैं, तो यहाँ हमने वो लिया है। और जीरा लिए हैं उसके तड़के के लिए, तो यहाँ मम्मी उसको अच्छे से खींच के रखी। और हम लोग यहाँ जो पोहा है उसको साइड में हम लोग भिंगो के उसको धो के रख डाले हैं। ये देखिए हम लोग धो के उसको रखे हुए हैं। तो अब यहाँ मम्मी जो है बनाने स्टार्ट की, तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म की, उसमें तेल डाले, फिर ये सब चीज़ को एक साथ एक करके हम सबको डाल दिए। तो फिर उसको हम लोग भूनेंगे बहुत थोड़ी देर तक, फिर हम आगे के प्रोसेस में चलेंगे। तो उसको अच्छे से भूनना है, उसके बाद उसको गोल्डन ब्राउन होते तक ही भूनना है, और ज़्यादा भी नहीं भूनना है क्योंकि पोहा में ज़्यादा भूनते हैं तो थोड़ा कड़ू लगने लग जाता है। तो यहाँ भुने, उसके बाद मम्मी यहाँ मसाले हैं वो सब डाले, तो मसाले में ज़्यादा कुछ ज़रूरत होती नहीं है, तो सिर्फ यहाँ हल्दी और नमक की ज़रूरत होती है। तो मम्मी हल्दी और नमक को डाली, फिर उसके बाद थोड़ी देर और उसको भूनना पड़ता है, तो उसको भी भुने। उसके बाद जो फली होता है उसको हम लोग पहले से तल के निकाल चुके हैं और रख चुके हैं पोहा वाले में, तो पोहा वाले को मैं मिक्स की मम्मी। अब उसके बाद इसको भूनने के बाद मम्मी जो है पोहा को डाल दी, और फली भी उसी में मम्मी डालती है। तो फली, और जब फली को हम लोग फ्राई करते हैं ऑयल में तो वो बहुत क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मम्मी यहाँ की उसके बाद उसको जस्ट मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, उसको मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये पोहा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसको बनाने में। और इसको आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं और तुरंत सुबह सुबह नाश्ता के लिए भी इसको आप खा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और फटाक से बन भी गया। तो आप इसको बनाएं और खाएं। सो गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Bye guys. Yeah.